चिट्टीचे आपली मोठी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ इज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जैसे जैसे पालघर चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, 20 तारीख को चुनाव होने हैं और इसी बीच अब पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बहुजन विकास आघाड़ी के चुनाव चिन्ह सीटी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया, जो कमेंट आप सुनिए वीडियो में, 7-10 सेकंड का ये वीडियो है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। चिट्टी के आतली बोटी 20 तारखेला आम्ही निसटून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला आपने सुना वीडियो में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने, इनका कहना है कि सिटी के अंदर की जो घोटी हम वो 20 तारीख को निकाल देंगे। इस तरह के बयान आने के बाद बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के प्रवक्ता राजीव पाटिल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के अश्वमेध को बहुजन विकास आघाड़ी कहीं न कहीं पालघर में घुसने नहीं दे रही और बीजेपी इस समय खींचे आ गई है, तो इस तरह के बयान बीजेपी के पदाधिकारी दे रहे हैं। तो हमें सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता ने और क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता ने। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। चिट्टी के आतली बोटी 20 तारखेला आम्ही निसटून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला या भाजपचा महाराष्ट्रामध्ये अश्वमेघ जो आहे तो बहुजन विकास आघाडीने, लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांनी अडवलेला आहे। त्यांना पालघरमध्ये पाहिजे तशी एंट्री मिळत नाही बहुजन विकास आघाडीमुळे, त्यामुळे कमरेखालचे वार आता चालू केलेले आहे। याआधी देखील बहुजन विकास आघाडीची निशाणी चोरण्यापासून प्रत्येक वेळी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यांच्या मार्गामध्ये अडसर बहुजन विकास आघाडीचा आहे। त्यामुळे आता त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरल्यामुळे बहुजन विकास आघाडीवर असे आरोप ते केले जात आहेत, परंतु येत्या 20 तारखेला येथील जनताच ह्याला उत्तर देईल आणि बहुजन विकास आघाडीच्या शिटीमध्ये किती दम आहे हे येथील जनता दाखवून देईल। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।